अब साहब ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, अब साहब ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, जब फ्री में सब कुछ कर देंगे, जब फ्री में सब कुछ कर देंगे। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो करें अनर्गल बयानबाजी, बने रहेंगे सुर्खियों में। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हश्र हुआ उससे आप अनजान नहीं है। कांग्रेस अपने भीतरी कलह से ही नहीं उबर पा रही, आए दिन कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता अपना इस्तीफा लेकर दिल्ली पहुंच ही जाता है। अब वो इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान मंजूर करे ना करे, हम इस विषय पर नहीं जाना चाह रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहना तो कोई कांग्रेस नेताओं से ही सीखे। इसी कड़ी में आज कांग्रेस आलाकमान द्वारा जारी एक फरमान के तहत कांग्रेस से पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज रेवाड़ी स्थित अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता कर भाजपा की प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधने का असफल प्रयास किया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने सबसे पहले मीडिया के सामने महंगाई का मुद्दा रखा, जिस पे अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि कैप्टन साहब ने तो गरीबों को मिलने वाले राशन तक पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्रति माह भाजपा सरकार द्वारा देश भर में वितरित किया जाता है। हालांकि पूर्व विधायकों को भाजपा की सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन के सवाल को वो गोलमोल कर गए, लेकिन गरीबों के निवाले पर सवाल या निशान लगाना नहीं भूले पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। बात जो है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम के तहत हर जिले में जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं, विवेक बंसल जी आज गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक में, शैलजा जी करनाल में, ऐसे इस प्रकार से सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि जो मौजूदा सरकार है उनके राज में महंगाई जो है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब साहब ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है वो गेहूं खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। इस बार जो है गेहूं का दाम जो है व्यापारियों ने MSP से ऊपर रखा है, तो गेहूं भी पूरा नहीं खरीद पाएंगे। इस बार जो टारगेट है इनका, समझ नहीं आ रही है कि ये फ्री आटा देंगे कहाँ से, या तो खरीदना पड़ेगा। जब फ्री में सब कुछ कर देंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ, पेंशन छोड़ने की जो बात चल रही है, फ्री की कैप्टन यादव का दृष्टिकोण बताइए या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण? देखिए मेरा दृष्टिकोण ये है, मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये पेंशन मैंने मांग के तो ली नहीं, कि मैंने मांगी थी क्या? जो सरकार आई थी उस टाइम बंसीलाल जी थे, उन्होंने बताया था कि जिस साल में पेंशन बढ़ेगी उस हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी, और लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा साल चुन के भेजा। 25 साल किसी के है ही नहीं लगातार एक ही जगह से, तो मेरी पेंशन सबसे ज़्यादा होनी है। कैची सबसे ज़्यादा आपके पे चले? नहीं, कौन कहता है 6 पेंशन लेता हूँ मैं, मुझे बताओ ना 6 पेंशन कैसे बन गई? आज सवाल तो इसीलिए तो किया है, आप बताओ कि। अरे भाई 6 पेंशन, एक ही पेंशन है और लिखते हैं 2,38,000 और मिलते हैं मुझे 1,83,000। आपको ये बता देता हूँ, 65,000 रुपये कट जाते हैं टैक्स में, नगर परिषद और नगद तो 1,83,000 मिलते हैं। तो भाई उसका आप उसको उतना ही माना जाएगा? नहीं नहीं, वो तो टैक्स दे रहे हैं। अरे फिर टैक्स तो दे रहा हूँ ना, वो अलग चीज है, सरकार को वापिस दे रहा हूँ जितना मुफ्त पे जो है। आक्रामक अंदाज में अपनी बात कही मुफ्त योजना, कांग्रेस की पॉलिसी हाईकमान ने पीछे तय की थी
की न्याय योजना 72,000 रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को देना चाहिए ताकि गरीब की जेब में पैसा जाए और देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, साइकिलिंग हो। हमने 80 करोड़ लोगों को देने की बात नहीं करी थी जी। हमने 80 करोड़ लोगों को, हमने सिर्फ उनको दिया था जो BPL में आते हैं, उनके लिए बात सर, उनके बात है, सुन लीजिए बात मेरी। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो, और रेट किसका बढ़ा रहे हैं? इसके आप विरोध में ये बताना चाह रहे हैं कि सही नहीं रहेगा? सुन तो लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कहना चाहते हैं कि मुफ्त राशन के विरोध में आप हैं, मुफ्त राशन मिले। सुन तो लो मेरी बात, बुरी बुरी बात सुनते नहीं हो। बताइए उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, किसान के ऊपर DAP का रेट बढ़ा दिया है, डीजल का रेट बढ़ा दिया, जेब से निकाल रहे हैं 1,000 रुपए और 200 रुपए का फ्री राशन दे रहे हैं, क्या एहसान कर रहे हैं? आप विरोध में ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मुझे तो कोई विरोध नहीं है, फ्री राशन नहीं मिलना चाहिए गरीबों को, ये बताइए। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, जो कह रहे हैं स्कूटी दे देंगे, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। मैं 80 करोड़ के लोगों के हक में नहीं हूँ, 80 करोड़ के हक में नहीं हूँ मैं। राशन मिलना चाहिए BPL लोगों को। अरे यार सुनो, आप मैं कहता हूं कि आपने अगर देना है, आप 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हो? आपने देना है तो 30 करोड़ लोग 5 किलो राशन में सब भूल जाते हैं, महंगाई को, गैस का सिलेंडर भी भूल जाते हैं, बिजली के जो रेट है उसको भी भूल जाते हैं। क्या हमारी ज्यादा इतनी छोटी है? आप बताइए मेरे को कि आप जो है हर चीज के दाम बढ़ा, कौन सी गुड बात है यार? शैलजा जी ने जो कौन कहता इस्तीफा दिया, आपने देखा है? सभी जगह चलता है, आपने देखा है? आप क्या कहते हैं, कुछ पेशकश की या कोई इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने? मेरी बात होगी उनसे भी, बात होगी मेरी अपने विवेक बंसल से भी बात होगी। कोई इस्तीफा